दैनिक न्यूज उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं पुनीत रोहेला, चैनल हेड आपका अपना दैनिक न्यूज उत्तराखंड समाचार से। आप सभी को, दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसे शख्सियत के पास बैठे हैं जो रेलवे उपभोक्ता सलाहकार बोर्ड मुरादाबाद के भी संरक्षक रहे हैं। आइए जानते हैं फारूक जावेद जी से, जो अधिवक्ता के रूप में भी यहाँ पर रूपी में काफी सक्रिय हैं। जानते हैं फारूक जी से। जी नमस्कार। मेरी ओर से सभी नगरवासियों, प्रदेशवासियों सबको नौ वर्ष की हार्दिक बधाई, और मेरा ये आशा है कि ये नया साल हम सब लोगों के जीवन में नई खुशियाँ पैदा करेगा, हम लोगों के बीच में भाईचारा मोहब्बत बनी रहेगी और खुशहाली आएगी। इसके अलावा आपके और क्या कार्य हैं शहर के अंदर? शहर के अंदर जैसे कि एक तो हमने एक मिशन की शुरुआत की है पैगाम इंसानियत के नाम से, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो गरीब और वंचित लोग हैं उनके इलाज के लिए कुछ कराया जा सके काम। और वैसे भी यहाँ पर भी हम एक संगठन बना रहे हैं, बहुत जल्दी ही कचहरी में अधिवक्ताओं का एक ग्रुप बना रहे हैं, जिससे कि जो शोषित और वंचित वर्ग है, जो न्यायिक तौर पे पैसे के वजह से न्याय नहीं पा सकते, ऐसे लोगों की मदद के लिए हम काम शुरू करें। फारूक जी का साफ तौर पे ये कहना है कि एक पैगाम इंसान नाम से ये संस्था है जो इनकी कार्य करती है अच्छी तरह, और यहाँ पर एक अधिवक्ताओं का संगठन भी तैयार करने की अभी प्रक्रिया जो चल रही है। मैं दैनिक न्यूज उत्तराखंड समाचार से पुनीत रोहेला, चैनल हेड आपका।